नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भगवान और भक्त के बीच संबंध भावना का होता है। जब भक्त की डोर भगवान से बंध जाती है तो फिर अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त करने से विघ्न और बाधा उसे रोक नहीं सकते। पिछले 25 सालों से भक्ति और भावना का ऐसा ही सिलसिला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचौर में भी चल रहा है। पूर्व भाजपा पार्षद राम बाबू सक्सेना बाबा में बाबा बर्फानी की एक झलक पाने की ऐसी ललक है कि वे पिछले ढाई दशक से हर साल अमरनाथ यात्रा में शामिल होकर भोलेनाथ के हिम रूप के दर्शन करते हैं। बाबा बर्फानी को लेकर उनका जुनून इतना ज्यादा है कि अंचल के लोग अब उन्हें बाबा के नाम से ही पहचानते हैं। हर साल वे न सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित कर उनके सोए भाग्य जगाते हैं। बाबा के नेतृत्व में बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों का जत्था यात्रा के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष में बीते दिन 12 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे पचौर के छोटे शिवालय नेवज तट से रवाना हुआ, जिसमें सर्वश्री राम बाबू सक्सेना बाबा नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर गुप्ता, महेश शर्मा, सौरभ सोनी, सोनू सोनी, अशोक नाथ, उषा शर्मा, राधेश्याम लहरी, राहुल लहरी, सुनीता लहरी, कैलाश जाटव, नरेंद्र विजय, नीरज शर्मा, सीमा शर्मा, मांगीलाल विजय, नंद कुंवर विजय, बसंती बाई, राजू ड्राइवर, गोपाल गुप्ता, मोना गुप्ता, बालकिशन गुप्ता, अनीता गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, कृष्णा, राधेश्याम गुप्ता एवं मंजू गुप्ता, सौरभ विजय और ड्राइवर बीरम सिंह, नरेंद्र राजपूत और राजू आदि शामिल है। इन सभी तीर्थयात्रियों को इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों और भोले भक्तों ने हर्षोल्लास के वातावरण में बाबा बर्फानी और माँ दयालु की जय जयकार के बीच खुशी खुशी विदा किया तथा उनकी यात्रा सफल होने की मंगल कामना भी की। जम्मू कश्मीर की सुरम्य वादियों में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले इस जत्थे में पचौर, ब्यावरा, उदनखेड़ी, हरनावदा, रौंसला, ढाबला आदि स्थानों के 39 श्रद्धालु सम्मिलित हैं। खबर समय जगत के लिए भोपाल से राजेश सत्यम की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।